सभी भाइयों को अनिल डांडा भाई का राम राम। और जैसे कि हम डेली आपको अपडेट करते हैं कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ रहती है, तो ये जींद से 15-20 किलोमीटर के दूर पड़ता है डिगाना गांव। यहां तीन भाइयों ने मिलके और जो गांव वालों से सलाह मशवरा करके एक मुहिम छेड़ी है कोरोना वायरस के ख़िलाफ़, थोड़ा सैनिटाइजर यूज़ करके। तो इन्होंने यहाँ पर एक जो एंटी कोरोना वायरस जो आप कह सकते हैं केमिकल बनाया है, और उसका छिड़काव पूरे गांव के अंदर ये आज करने जा रही है। तो हम वहीं पे जा रहे हैं अभी, आप बने रहिए। हो सकता है हमारी वीडियो थोड़ा लंबी हो, लेकिन आपको लगेगा कि कुछ जागरूकता फैल रही है यहां पे गांव के अंदर। तो उसी जागरूकता को लेके हर गांव के अंदर एक जागरूकता के रूप में इन्होंने एक सीख दी है कि हम अपने आप से भी कोई मुहिम छेड़ सकते हैं। तो अभी जा रहे हैं वहीं पर, आपको दिखाते हैं। हेलो भाई साहब, नमस्कार। जैसे कि आज पता लगा था कि डिगाना के अंदर एक मुहिम छेड़ी है आपने कोरोना वायरस के ख़िलाफ़, और जैसा कि देखने में आता है कि ग्राम पंचायत सहयोग करती है, तो आज आपके ने जो मुहिम छेड़ी है इसके अंदर कोई ग्राम पंचायत का सहयोग है? नहीं सर, इसमें ग्राम पंचायत का कोई सहयोग नहीं है। हमने अपनी तरफ से किया है कि गाँव की भलाई हो, उसके लिए पंचायत के इसमें कोई सहयोग नहीं है। तो ये ग्राम पंचायत ने सहयोग क्यों नहीं किया? ये तो बहुत अच्छी बात थी, तो इसको ग्राम पंचायत ने सहयोग करना चाहिए था। पता नहीं भैया, हमने दो तीन भाइयों ने मिल के जैसे गांव की भलाई के लिए इसलिए किया है कि गांव में कुछ ज़्यादा गांव का भला हो और कुछ हो, इसलिए हमने अपनी तरफ से किया है सब। अच्छा, साथ में सहयोगी कौन कौन से आपके साथ? साथ में एक देवेंद्र है, ये है और ये भाई भी है आनंद। तो आपने ये कैसे सोचा कि एक कोरोना वायरस के खिलाफ अपने गांव को थोड़ा सा इससे बचाया जाए, कैसे आपको ये आइडिया मिला? सर ऐसा था कि बीमारी बहुत फैल चुकी। ओके, तो हमने इसलिए पहल की कि अगर हम पहल करते हैं तो और भी हमारे साथ जो युवा साथ है वो जागरूक होंगे। अच्छा अच्छा, तो इसलिए हमने सबसे पहले पहल स्टार्ट कर दी है। चलो, आपने बहुत ही बढ़िया किया है। तो आपने जो ये केमिकल तैयार की है खुद ही तैयार किया है? जी खुद। अच्छा जी, और दूसरे भाई कौन से हैं? नीतीश जी आप जैसे साथ में इनके मिले हैं। हाँ। तो आपने इनका साथ क्यों दिया? साथ इकट्ठा होकर अपने गाँव की जिम्मेवारी दी है हमारी भी, और युवा साथी हैं जो भी। मैंने इसीलिए गांव में कोई बीमारी आओ, 4-5 दिन के बाद अलग अलग 4-5 दिन का बिचा देकर स्प्रे कराएंगे 21 दिन तक, जब तक जो पीएम मोदी का भाषण रहा है अपने गांव की खुद मतलब अपनी अपना गांव समझकर अपनी वो करो। इसलिए हमने पहले इकट्ठे करके तीनों जने ने एक कदम उठाया था ये स्प्रे करने का, और कल से ही हम ये कदम मतलब अपना उठाया और अभी पूरा कराएंगे। इसके बाद में जो भी होता है और आगे करते रहेंगे, 4-5 दिन का बिचा देगा सपरा। ठीक है। हाँ। अच्छा, मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा, जैसे आप लोगों ने खुद इस मुहिम को छेड़ा है, तो आप क्या चाहते हो कि गांव वाले इसमें आगे अगर आप करें तो साथ दें? हम सोचें कि हम अगली बार हो तो 4-5 दिन के उसमें पंचायत समिति भी हमारा साथ दे और गाँव वाले भी साथ दें। इसमें सारे गाँव की भलाई है, हमारे एक तो है नहीं है, पूरा गाँव इकट्ठा होकर चला जाता, हम इसके खिलाफ जंग लड़ सकते हैं। तो आपको कुछ इस तरह की मुहिम नहीं छेड़नी चाहिए, जैसे कि कैमरा दिखाना भाई साहब, जैसे वो भाई इकट्ठे बैठे हैं सारे के सारे, लेकिन सरकार बोल रही है बार बार कि आप इतना इकट्ठा मत बैठो, देखो वो कितना गैप में बैठे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे लोग। तो इस तरह की जागरूकता नहीं फैलानी चाहिए भी, लोगों को समझाएं भी, थोड़ा गैप बनाए रखें, फैलाएंगे बताएंगे सर, इनको भी समझाएंगे, मानेंगे वो क्या है, अपना तो बताने का फर्ज है, मानेंगे या नहीं माने वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। चलो कोई नहीं, आप लोगों की कोशिश है तो शायद कुछ ना कुछ लोग सुधरेंगे और थोड़ा गप्पे दूर से मारेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और हम चलते हैं, अभी देख रहे हैं कि किस तरह से ये यहाँ पे एंटी कोरोना वायरस जो अभियान इन्होंने छेड़ा है वो किस तरह से कर रहे हैं, तो वो अभी हम आपको वहाँ पर दिखाते हैं, आप बने रही हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन भाइयों की मुहिम से और पूरे गाँव के अंदर ये छिड़काव चल रहा है, और इन्होंने ट्रैक्टर के ऊपर ये टंकी बांधी है जिसके अंदर की एक सैनिटाइजिंग रूप में जो केमिकल तैयार किया गया है, तो वो ये यूज कर रहे हैं, और अब पूरा गांव इनके साथ एटलीस्ट हेल्प तो कर ही रहा है इसके अंदर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये भाई यहां पे मुहिम छेड़े हुए हैं, और यहां पे जितने भी जैसे डोर है, खिड़की है, गाड़ियां है, या ट्रैक्टर है, या ट्रॉली है, जो भी यहां पे वस्तु है उस सबको सैनिटाइज किया जा रहा है। और सभी ने देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि एक गांव होके यहां पे सभी ने जो है मास्क पहने हुए हैं, और सभी अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से और जिम्मेवारी से निभा रहे हैं। इन्होंने अपने
खुद जिम्मेवारी समझी है, तो मेरे ख्याल से सरपंच ने पहले से ही इसके बारे में सहयोग करना चाहिए था। और किसी भी गांव का कोई भी सरपंच है, एटलीस्ट वो गांव के लिए चुना गया है, गांव के वोट लेके लिए बैठा है वो आज, लेकिन एक अच्छे शुभ काम के अंदर वो इतना पीछे क्यों है मेरे को समझ में नहीं आता। लेकिन एक आजकल तो पढ़ लिखी जनसंख्या हो चुकी है, पढ़े लिखे सरपंच है, आफ्टरऑल भी ये चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आगे फ्यूचर में जब भी कुछ करे तो सरपंच इनका पूरा सहयोग करे, और किसी भी गांव में अगर कोई सरपंच मेरी वीडियो देख रहा है तो ऐसा ना हो गांव वाले पहले चले और वो बाद में चले, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले खुद वो आ गए हैं, उसके पीछे गांव वाले आए, तो उसी को बोलते हैं सरपंच। तो ये ढिकाना से हैं डॉक्टर राजेश सिंगरवा, और सारे जानते होंगे रमेश सिंगरवा के ये बड़े भाई हैं। तो सर, आपने जो ये बच्चे यहाँ पे मिलके इस तरह का काम कर रहे हैं, तो आपने इसके अंदर क्या सहयोग दिया है? ये सारे गांव के जो यंग युवा समिति है, इन्हें सारे ने एक प्रोग्राम किया था कि भाई हम गांव को सारे को स्टरलाइज करते हैं। ओके, ठीक है। तो ये सारे गांव के सभी नौजवानों ने फैसला किया था, तो सुबह सभी ने कलेक्शन की, और कलेक्शन इतनी हो गई कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हो गए। अच्छा जी, सारे गांव के नौजवानों के पास। अच्छा जी, तो अब ये सारे गांव को स्टरलाइज करना हमने, चाहे हमने दो दफ़ा करना पड़ो चाहे तीन दफ़ा करना पड़ो। देखो जी, बच्चे तो एनर्जेटिक हैं, वो तो काम कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे जो बड़े बुजुर्ग हैं वही साथ देंगे तो ही ये कुछ आगे कर पाएंगे। चलो, इस बार इतना सहयोग नहीं मिला हो शायद गांव का, सारा सहयोग है, सारे सेंसिटिव बच्चे हैं जी हमारे गांव ढिकाना से, जितने भी बच्चे हैं युवा सारे सेंसिटिव हैं, कोई भी सामाजिक प्रोग्राम उसके अंदर बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। देखो, ये तो एक सर अपनी खुद की लड़ाई भी है, क्योंकि गवर्नमेंट इतने लेवल पे नहीं जा सकती, वो हमें टाइम टू टाइम एक जागरूकता दे सकती है, जी, तो जी, हमें जी, भी जागरूक होना पड़ेगा। जी जी जी। और अच्छी बात यह है कि आपकी जो टीम काम कर रही है यहाँ पे, जितनी भी टीम काम कर रही है, वो थोड़ा गैप में है और सभी ने मास्क पहने हुए हैं। जी जी, जी। और बड़ा अच्छा लगा, लेकिन गाँव में ऐसा माहौल मिलता बहुत कम है। जी जी जी। चलो जी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। कोई नहीं। तो जैसे कि आज जो ढिकाना गांव के अंदर मुहिम छेड़ी गई, तो इन सभी भाइयों का सहयोग रहा यहां पे। तो आज जिस तरह से ये डॉक्टर साहब यहां पे मिले हैं, तो फ्यूचर में क्या ये करने वाले हैं, तो मैं एक बार इनसे बात करना चाहूँगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे आज सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया, फ्यूचर में आगे कौन सी मुहिम आप समझते हैं आप करेंगे? सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जो ये युवा ब्रिगेड बैठी है सारी ही, ये बढ़ चढ़ हिस्सा लेती है, हमारे बुजुर्गों से हम आशीर्वाद लेते हैं, इनसे हम पूछते हैं कि सामाजिक कार्य केंद्र क्या गांव को आवश्यकता है, और उसी काम को हम करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं सारी युवा टीम। ओके जी, तो आप इसमें क्या सहयोग कर पाएंगे, आप बता सकते हैं? हम अपनी मेहनत जो भी है वो पूरी सहयोग करेंगे मेहनत के साथ। तो जैसे इन तीन भाइयों से शुरू होकर ये एक मुहिम बढ़ते चढ़ के और भी ज़्यादा लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं, तो अब आप लोगों को कैसा लग रहा है कि आपने जब शुरुआत की है ये, तो ये अब कुछ आगे और भी बढ़ेगी? आप जी, बिल्कुल बढ़ेगी। ओके, तो आगे आप इनका साथ में सहयोग रखेंगे? जी सर, बिल्कुल सहयोग रखेंगे। इतने अपना मोदी नू निकाल लेता भाई, अपना वायरस कोरोना खत्म हो जाएगा, इतना लगातार अपना प्रयास करते रहेंगे जी, हर दूसरे तीस दिन सप्रे का कोशिश करेंगे पूरी अपने तरफ से। समिति पहले तो पंचायत की तरफ से देखें, कुछ पंचायत सहयोग करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अदरवाइज हम अपने लेवल पर भी पूरा रिस्क उठाने को तैयार हैं। तो छोटे भाई, आपको क्या लगता है कि आपकी मुहिम देख के कुछ गाँव में और इस तरह की जागरूकता आएगी? जागरूकता तो होगी। अच्छा, हाँ, हम तो बिल्कुल खाली होगी, जो और जो सोची थी उससे कुछ ना कुछ ज्यादा ही होगी। अच्छा, लोग आपकी मुहिम से जुड़ते गए? जुड़ते, बहुत ज्यादा जुड़ गए। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो भाई, जैसे आज आपके घर पे यहाँ पे चाय पानी का भी थोड़ा सा मिला, टेस्ट लिया हमने, बड़ा मजा आया। तो आप भी इन भाइयों के साथ रहेंगे हमेशा? मैं भाई साहब ब्लॉक समिति मेंबर हूँ, और इसमें मैंने भाई मंजीत को कह के नहीं मुहिम चलवाई थी, अब भाई हम अपने गांव में सैनिटाइजर का स्प्रे करेंगे। इससे इसने कहा कि चलो सरपंच से मदद लेते हैं, हम सरपंच के पास गए, उन्हें कोई मदद नहीं की हमारी, इसलिए मैंने 5-10 युवा साथी इकट्ठे किए और हमने अपनी स्प्रे टंकी इकट्ठी की, गांव से 2-3 ट्रैक्टर इकट्ठे किए और 10-12 नौजवान इकट्ठे करके ने हमने सैनिटाइजर का स्प्रे किया और गाँव को जागरूक किया। अब हमारे पास कम से कम भी युवा साथियों की टीम 150-200 बच्चे लग गए अब हमारे साथ, और हमारा लक्ष्य ये है कि हम 2-4 दिन में ये करते रहेंगे। इतने प्रधानमंत्री जी ये नहीं कह लेते, अगर भाई ये कंट्रोल होगा इतने हम रुकेंगे नहीं, अपनी ये मुहिम छेड़ेंगे। बहुत बढ़िया जी, यहाँ पे आके मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, और खासकर गांव के लोग इतने जागरूक हो गए, जितना लोग कहते नहीं थे कि गांव के लोग जागरूक नहीं होते, उनको जागरूक करने के लिए बार बार अभियान करने पड़ते थे, तो आप लोग एक मिसाल हैं दूसरे गाँव के लिए।
तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आप के सरपंच ने सहयोग नहीं किया तो आप लोगों को सर आपने भी बात की उनसे या बच्चों के साथ आप गए हो? नहीं, पूरी युवा टीम गई थी तो उन्होंने ये कह दिया था अभी मेरे पास मतलब आर्थिक मदद नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ग्रांट नहीं मिला, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ग्रांट नहीं और आर्थिक कोई मदद नहीं है मेरे पास। ठीक है, जो आप उचित समझे आप कर सकते हैं। अच्छा जी, चलो जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, सबसे बात करके अच्छा लगा। तो अब आगे चलते हैं कि क्या यहाँ पे हो रहा है और कहाँ कहाँ वो पहुँचे हैं, किस तरह का छिड़काव अभी चल रहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो जैसे कि आप देख रहे हैं सारे गाँव में जैसे स्प्रे चल रहा है, तो अभी ये धानक बस्ती है जी? हाँ, धानक बस्ती। तो ये धानक बस्ती के अंदर अभी स्प्रे करने पहुँचे हैं, और आपके सरपंच कौन है यहाँ पे? जिले सिंह नहीं, जिले सिंह श्रीमती कांता देवी, श्रीमती कांता देवी सरपंच है यहाँ की। और जाति कौन सी? चमार जाति से, जो कि उनको सहयोग करना चाहिए था वो कर नहीं रहे। और ये देखो यहाँ पे लोग खुद ये सहयोग कर रहे हैं, खुद अपना आप ही यहाँ पे ये धानक बस्ती के अंदर घुस गए हैं स्प्रे करते हुए, और भाइयों ने जो सहयोग किया है। और यहाँ पे रिजर्व सीट के ऊपर इलेक्शन हुआ था, जो सरपंच है वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब ये देखो खुद यहाँ पे पार्क लेके जा रहे हैं और अंदर तक ये घुस रहे हैं। गठी ना करो, अलग अलग हो जाओ, अलग अलग रहो भाई। तो ये यहाँ पे लगे हुए हैं सैनिटाइज करते, अंदर तक ये कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे छोटी सी बच्ची ने अपने आप किस तरह जुगाड़ में रखा। हाँ बेटा, ये क्यों पहना आपने? क्यों पहना आपने? बीमारी से बचने के लिए। तो आप सभी बच्चों को बोलते हो इस तरह का मास्क पहनो बीमारी से बचने के लिए? अब क्या क्या नाम है? तन्नु। ठीक है तन्नू, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटे, अंदर बैठो। ओके, 15 तारीख तो ही बंद कर दियो। यहाँ पे आप देख रहे हैं ढिगाना गांव के अंदर ये अनाउंसमेंट की जा रही है, किसी तरह की भीड़ इकट्ठी ना हो इसको देखते हुए कार्रवाई करी जाएगी। कोई भी बाहर से मेहमान आवे वो उसका बीमारी पाएगी, वो उसका खुद जुम्मेवार होगा चौधरी। किस जरिए से लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे छिड़काव भी आज किया जा रहा है और लोगों को इकट्ठा बैठने से रोका जा रहा है। खुद यहाँ पे मुहिम छेड़ी यहाँ के युवा लोगों ने, और साथ में अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे सरपंच के घर। सरपंच घर चल रहे हैं ना आप अभी? हाँ, अभी जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे और क्यों सहयोग नहीं कर रहे इनका। तो इतने इकट्ठे क्यों बैठे हो? घर आ तो बैठे हो, तो फिर इतने सारे इकट्ठे बैठे हो, तो मुंह मुंह दे बैठे हो, इतना प्यार है तेरा, बताओ है तो इतना नू तो ना करो। देख नौजवान आपके पोते पोते सारे बाहर खड़े हैं, मुहिम चला रहे हैं, आप इकट्ठा बैठे हो सारे सारे। गैप तो बना लो, बैठ जाओ इकट्ठे, कोई बात नहीं है, थोड़ा अलग अलग बैठ जाओ। एक खाट पे चार बैठे था वो, मैं आप पे खुद ट्रैक्टर तो आ गया था वो, लेकिन उसमें जहर थोड़ी था। हम बच लो, थोड़ा साइड में हो जाओ, एक आगे बैठ जाओ एक उधर बैठ जाओ, थोड़ा फर्क गैप बनाओ ना। ये देखा आपके बच्चे हैं, जागरूकता कर रहे जो देखो बुजुर्ग बाप। तो मैं आपसे एक उम्मीद रखता हूँ, जिस तरह की मुहिम चला रहे हैं अपने लिए चला रहे हैं, सरकार अपने लिए कर रही है, तो आगे आप इस तरह से नहीं बैठने दोगे ना? ये ऐसे नहीं बैठने देंगे। ठीक है जी, आगे आप समझदारी का परिचय देंगे और यहाँ अलग अलग बैठाएंगे। ठीक है ताऊ जी, ओके ताऊ, राम राम। ना राम राम, इकट्ठे मत हो भैया, अलग अलग रहो। यहाँ पे ये देख रहे हैं कोई ताश तो नहीं खेल रहा, इस तरह से ये मुहिम को अपनी सफल बनाने की कोशिश करते हुए ना। यहाँ पे ठीक है, कोई नहीं बैठा ज़्यादा, तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कि यहाँ के युवा लोगों की मुहिम चल रही है, तो ये सरपंच साहब अभी निकले हैं बाहर, तो अभी मैं इनके घर ही जा रहा था। अच्छा, जो यहाँ पे लेडीज़ हैं उनके घरवाले, सॉरी भाई एक ही बात है, घर में सरपंच है। तो सरपंच जी आप ये बताएं, इन युवाओं के साथ आपने मुहिम में साथ क्यों नहीं दिया? मैं तो मुहिम में साथ दिया है, बल्कि ये तो अब निकले, मैं तो सुबह से निकला हुआ हूँ। नहीं, आपको जब इन्होंने फ़ोन किया कि आप उनमें थोड़ा सहयोग करें, तो आपने कह दिया
गवर्नमेंट की तरफ से कोई ग्रांट नहीं है मेरे पास। किसने कहा है? हमने कहे निकोन का था ग्रांट नहीं, ये सारे इसके द्वारा। सर मैं मिसगाइड नहीं कर रहा। अब एक आदमी से बताओ, वो तो सैनिटाइज करने स्प्रे कर लग रहा है, और मैं खुद जाके लोगों को आइडेंटिफाई करके कौन बार कर रहा है, कैसे कैसे क्या है दुकान। कल जी मैंने ना एक मिनट, नहीं सरपंच साहब ये नहीं चलेगा। हाँ जी बताओ जी। कल जी मैंने चौकीदार के पास फोन किया पहले। हाँ। जी विदार रहे। हाँ। माँ भाई गवा दवा दे। बोला भाई पहले सरपंच गवा जब गवा दवा दूंगा। दवाई छिड़कांगे, भीड़ इकट्ठी मत करो कि वहाँ कल दवाई छिड़कांगे तो आप गवा दे दो। तो बोला भाई सरपंच में गवा दो तो मैं गवा दे दूंगा। मैं सरपंच साहब के पास फोन कराया, ठीक है भाई सरपंच साहब ऐसे वो करना है। बोला फिर कोई बात नहीं, बोला ईशा ऊपर से कोई प्रोजेक्ट तो है नहीं भाई, उस बात का हम खुद अपना उस पर छिड़का। आप उस पर कह दो, बोला आप बोल दो, आप उससे कह दो कि मेरा नाम ले दो। हम नहीं कहते जी आप पे फोन कर रहे हैं। एक मिनट, आप ही आपने भी आप पक कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हम अपने उस पर कर रहे हैं। कहाँ से लेके आए हैं? हम मेडिकल स्टोर से लेके आए जी। किसकी? मेडिकल स्टोर से लेके आया। मेडिकल स्टोर परचेज करके ले आया। परचेज करके लेके आया हूँ मैं। वो आप किस भी आप हम जब डिपार्टमेंट की तरफ तो करवा रहे हैं। नहीं नहीं, आप इतना डिले करवा लग रहे हैं। हां कब करवाओगे? कौन से आपके गांव में कोई केस हो जाएगा तब करवाओगे? केस हो जाए पहले करवा लग रहे कम हम उसको। ये लोगों के साथ मैं एक घंटे से घूम रहा हूँ, ये पूरी मुहिम को छेड़े हुए हैं। ये भाई जितने भी यहाँ पे हैं सारे मुहिम छेड़े हुए हैं, ताश खेलने वाले को रोक रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। क्या मैं फोटो यहाँ खुद जाके वहाँ जाके मजदूरों को बंद करके आया हूँ अभी? नहीं मैं तो आपके घर आ रहा था इस चीज को देखते हुए, क्योंकि भीड़ इकट्ठी आएंगी। निकला उन लोगों से मिलके जो सारे संपर्क घर चलो सभी के सभी। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट मिले तो ही करेंगे, सोशल काम नहीं कर सकते हल्का फुल्का? जो सोशल वर्क सारे कर लग रहा हूँ मैं यहाँ पे। जो युवा लोगों ने जो प्रोग्राम किया था उसकी ये फोटो लेने जा रहे हैं ताकि ये गवर्नमेंट को दिखा सके कि ये काम मैंने किया है, सिर्फ उसका क्रेडिट लेने के चक्कर में ये घूम रहे हैं। ऐसे सरपंच हैं यहाँ के जो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने के चक्कर में घूम रहे हैं। ये देखो जिन लोगों ने काम किया है उसका सारा क्रेडिट लेने के चक्कर में ये बैठे हैं। नहीं आपने कुछ, आपने इस तरह का कोई काम ही नहीं किया तो आप क्यों कर रहे हैं? नहीं फिर आपने कोई सहयोग ही नहीं करा, इनका भी सहयोग ही नहीं करा आपने तो आप किस? मैं सहयोग कर रहा हूँ। कोई सहयोग है अभी तक? मैं दिया था ना अपनी जेब से, झूठ बोलेंगे क्या? क्या दिया था? आप सिर्फ और सिर्फ मिसगाइड कर रहे हैं, मेरे को बोल रहे हैं मिसगाइड कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप लालच में भाग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फोटो लेने के लिए भाग रहे हैं। फोटो लेने क्यों जा रहे हो आप? लोगों को एकांत में रहने का हमारा अधिकार नहीं है, हम काम क्या बनाए हो नहीं। फिर तने क्या अधिकार है तुम्हारा? ट्रैक्टर फोटो ले, चल फोटो ले तू। हाँ तू चल फोटो ले। हाँ तने नहीं देखो लड़ाई नहीं करनी, लेकिन भाई साहब फोटो की जरूरत क्या? भाई साहब ऐसे मेरी सुनो, इसने अपनी जेब से सैनिटाइज दिया, ट्रैक्टर का डीजल दिया, या कोई बंदा करे हो कुछ भी करे हो तो हमारे फोटो लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा गाँव इसका, ऐसा गाँव हमारा है, ठीक है ना? हाँ जी। ये कैसे कर ले गए हमारे गाँव के? आपको इलेक्टेड मेंबर नहीं है गाँव के? फिर अपने बताओ क्या करा सहायता काम के लिए, ये तो बता दो क्या करा? हमारे को जो एक चीज तो क्या ड्यूटी ले रखी है? सैनिटाइज दिया किसी को मास्क बांटे? किसी को मास्क बांटे? ये सामाजिक तौर पर काम करने लग, सामाजिक तौर का हम कर लग रहे रे, सामाजिक तौर पर काम करने लग रहे। किसी से कोई पैसा नहीं लिया, अपना भी बैठे कर रहे हैं लोग, जितने ये 20-30 बच्चे हैं अपना भी इकट्ठे कर रहे हैं। और सभी ने शाम को इनकी मीटिंग हुई थी भाई गांव के अंदर, ये बीमारी फैल गई क्या करना चाहिए, तो 20-25 से जो ये युवा ब्रिगेड है इनने पैसे इकट्ठे किए भाई। इकट्ठे करने के बाद सुबह सुबह हम डिटोल लाए, सैनिटाइजर की बोतलें लाए, फिर ट्रैक्टर किए, फिर सारी टीम को हमने मास्क बांटे, मास्क बांटने के बाद फिर इनको रवाना किया सैनिटाइज करने के लिए। तो बाद में ये सरपंच आए, इनको ये अपना आप श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने ये किया ये नहीं किया, लेकिन युवा समिति का काम है ये, कोई किसी ने कोई भी साथ नहीं रखा। बुजुर्ग आदमियों ने इनको साथ दिया कि भाई आप ये काम करो, बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया जी, अच्छी बात है। देखो गांव के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, आप बड़े हैं, ठीक है, कोई बात नहीं सर। देखो इन्होंने का काम कहीं छुपता नहीं है, और जो वो फोटो लेने की कोशिश करे कोई बात नहीं सर, देखो लड़ाई नहीं करनी। और प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कोई घर से बाहर मत निकले, आप चले जाओ। सर एक बात है ना, ये युवा समिति काम करने लग रही है, गांव के बुजुर्गों ने इनको प्रोत्साहन देना चाहिए, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, लेकिन सरपंच आकर अपने फोटो लेकर व्हाट्सएप करके ये भेज रहा है, तो श्रेय तो यानी ये ले रहा है, काम करने लग रही युवा समिति। सिर्फ और सिर्फ सरकार को दिखाना चाहता है कि मैंने ऐसा काम किया पैसे के चक्कर में। ये लोगों के अंदर कितना लालच आ गया कि इस बीमारी के अंदर लोग अपना साथ ना दे के सिर्फ अपने लालच की तरफ भाग रहे हैं। तो मैं उन लोगों को बोलता हूँ यार अपने आप तो सुधर जाओ, दुनिया कहाँ जा रही है,
तो ये बहुत अच्छी बात है सर आप लोग कर रहे हैं, तो प्लीज आप ये किसी तरह झगड़ा नहीं होने देंगे। सारे सारे गांव का सहयोग मिल रहा है, बुजुर्गों का हमारे का आशीर्वाद है, युवाओं के अंदर उत्साह है। हाँ जी हाँ जी, आज तो हमारे पास 20 जुड़े हैं, अब शाम तक देख लियो आप सारे गांव के युवा इकट्ठे हो जाएंगे, भाई ये करो बहुत अच्छी बात है, हमारे से जो सहयोग है काम बनेगा, पैसे से है या हम तब कोई भी आना जाना कुछ लाना है, लेकिन ये भी गांव वालों ने फैसला कर लिया कि भी हम 5 आदमी के सिवा हम इकट्ठे नहीं होंगे। इब आपने देख लिया कि जहाँ भी ताश खेलने लग रहे थे बुजुर्ग, हाँ रोका, सभी ने रोका है। अच्छा धानक बस्ती में स्प्रे करके आए हैं, वहाँ भी जिनानियों को हमने इकट्ठी बैठी उनको उठाया है, तो यानी कि सारे गाँव का सहयोग मिल रहा है हमारे को। बिल्कुल सही बात है सर। चलो सर अब सारे जो भी है भाई उनको रिक्वेस्ट करो कोई भी बाहर ना निकले। तो अभी जैसे डिघाना गांव के अंदर हम देख रहे थे, तो यहां पे जैसे मेरे को बुलाया गया था इस तरह की मुहिम ये छेड़ेंगे, तो इन्होंने बताया था कि एक जागरूकता अभियान है ये, तो इसके तहत हम यहां पे पहुंचे हैं जो यहां लाइब्रेरी के अंदर जो बच्चे बैठे हैं मेरे को दिखाई दे रहे हैं, तो मैं उनसे जाके बात करता हूँ और देखता हूँ कि किस तरह का उन्होंने गैप मेंटेन किया है या नहीं किया है या कैसे वो बैठे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने गैप भी मेंटेन किया है और अपने जो मुंह को भी कवर किया हुआ है रुमाल से, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो बेटा आपको पता है आपने ये मुंह कवर क्यों किया हुआ है? ये सही कोरोना की वजह से हुआ किया है हमने, जो मास्क हैं इससे जो हवा में जो कोरोना के वायरस फैल रहे हैं वो उससे हम बच सकते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। बेटा आपको किसने बताया कि ये मास्क कवर करना है? हमें किसने बताया आपको ये मास्क कवर करना है और क्यों पता लगा आपको? ये रूल्स हैं कि अगर हम अपना मुंह कवर करके रखेंगे तो जो कोरोना वायरस के जो कीटाणु जो बैक्टीरिया वो हमारे अंदर नहीं आ पाएंगे। वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ छोटे बच्चे आपने क्यों कवर किया है आपको भी पता है इस बारे में? क्योंकि न्यूज़ में हर रोज़ सुनाते हैं कि सब अपना मास्क को मुँह को कवर करें, कि कोरोना वायरस के किसी भी चीज़ के कपड़ों को पार नहीं कर सकते। अच्छा एक चीज और बताया बेटा, आप बाहर खेलने जाते हो? नो सर। ओके क्यों नहीं जाते अब खेलने? क्योंकि बाहर कोरोना वायरस हो रहा है। देखो जैसा कि मोदी जी के आदेश का पालन छोटे से छोटे बच्चे खेल रहे हैं और अपने खेल कूद जैसी एक्टिविटी को भी उन्होंने कंट्रोल कर किया हुआ है, तो इसको देखते हुए हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप बता सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री अच्छे हैं या बुरे हैं? काफ़ी अच्छे हैं। अच्छे हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं तो हमारे सौभाग्य की बात है या नहीं? हाँ ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चलो देखो हमारे माननीय प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं और ख़ासकर इस जो महामारी के अंदर वो हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो हमें इस पर गर्व है। ठीक है बेटे पढ़ो और गैप मेंटेन रखना और किसी से ज़्यादा हाथ वगैरह टच मत करना, ठीक है? यहाँ पे ये जैसे ताश खेल रहे हैं कुछ लोग, तो इनसे हम बात करेंगे भाई ये इतने जब धारा 144 लागू हुआ तो ये ताश क्यों खेल रहे हैं यहाँ पे बैठ के? हाँ जी सर, जब आप लोगों को पता है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी बार बार लाइव आके आपको बोलते हैं भाई गैप मेंटेन करो, आप बड़े बुजुर्ग समझदार यहाँ पे बैठ के ताश खेल रहे हैं, मैं मानता हूँ आदत नहीं छूटती आसानी से, लेकिन कम से कम गैप भी नहीं आप लोगों में, तो कि छोटे से चबूतरे पे 7-8 लोग बैठे हो, तो इससे अच्छा तो आप अपने घर में रहो, टीवी देखो, बच्चों के साथ खेलो। हाँ जी एक मिनट भाई साहब एक मिनट। हाँ जी आप ताश क्यों खेल रहे थे यहाँ पे? सारे खेलने थे और मजे नहीं, सारे तो नहीं खेल रहे थे, आते तो घर में कह दे आपको पता है नहीं, फिर अब बड़ा आप भी खेत बैठे थे यहाँ पे। हाँ जी ताऊ जी आप तो बड़े हो, बुजुर्गों को तो सबसे पहले पकड़ता है ये, तो आप अंदर क्यों नहीं बैठे आज? चलो अब बैठ जाओगे, ठीक है अब आगे मत खेलना सर, ठीक है ओके ताऊ जी, अब ध्यान रखना आगे मत खेलना इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी कितना कितना कवर कर दिया आपने गांव यहाँ पे अभी? एक अच्छा हो गया। अच्छा चलो बढ़िया है जी, आप बढ़िया अच्छा काम कर रहे हो और कोशिश करो जो आप गली में मत मारियो, जो गेट के कुंडे हैं उन पे गेटों पे या कोई चीज खड़ी है जैसे ये सीटर हैं इन पे हाथ लगते हैं इन पे मारो, इस तरह की चीज़ों पे आप लगाओ, ठीक है जी? चलो जी करो आप स्टार्ट, बढ़िया अच्छी बात है करो स्टार्ट। जैसा कि हम थोड़ी देर पहले सरपंच से मिले थे वो दावा कर रहे थे कि मैं करवा रहा हूँ, बल्कि वहाँ पे वो खुद जो करवा रहे थे वो भी खड़े थे, तो वहाँ पे बहस हो गई थी काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्त, तो यहाँ पे खुद ट्रैक्टर पे जो टंकी लगाए हुए बैठे हैं ये भाई साहब, तो भाई साहब ये जो आप ये मुहिम छेड़ रहे हो जिस तरह के आप ये छिड़काव कर रहे हो, क्या ये सरपंच का सहयोग से हो रहा है? ये हम अपने सहयोग से खुद ये अपने युवा साथी हैं, मेरा खुद का ट्रैक्टर है
हम तो अपने गांव की सेवा समाज सेवा के लिए कर रहे हैं भाई। कोई सरपंच से ना तो चंदा लिया है और ना कोई दुआई है पैसे लिए हैं अभी तक। ना कोई मेरे पास सरपंच का ऐसा कोई मैसेज था कि वह कोई ट्रैक्टर किराए लगा के या कोई कर दो। हम तो अपनी फ्री सेवा हम कर रहे हैं। देखो जी, यहाँ के लोग खुद जागरूक हैं और अपने आप अपने भाई बहनों की सुरक्षा के लिए ये छिड़काव कर रहे हैं और सरपंच इसका क्रेडिट लेने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। सुरक्षा तभी तो होगी। बहुत बढ़िया विचार हैं जी आपके। चलो जी, आप करते रहें इस मुहिम को आप आगे और टाइम टू टाइम आप करते रहें, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, आप भीड़ इकट्ठी ना होने दें। अपने आसपास भी जो आपके साथी हैं उनको ज्यादा इकट्ठा ना होने दें। तीन बंदे तो रहेंगे ताकि नाली जो हाँ ट्रैक्टर अंदर नहीं घुस पाता, लेकिन उनको ज्यादा करीब ना रखें, उनको गैप में रखें। पाइप लेकर के तीन बंदे तो वहां तक जाते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। ठीक है, इसी तरह से आप लगे रहो लेकिन गैप में। ओके, थैंक यू। ये जैसे कि बुजुर्ग है, इनका यहाँ पे ट्रैक्टर के साथ में क्या काम है ये खुद बता रहे हैं। तो आप ट्रैक्टर के साथ क्या काम कर रहे हैं? मैं ट्रैक्टर के साथ में ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, एक मिनट। तो आप ट्रैक्टर के साथ जैसे रहते हैं, तो आप ट्रैक्टर के साथ क्या क्या ड्यूटी निभा रहे हैं आप? मैं ट्रैक्टर के आगे चलू हूँ और ट्रैक्टर के आगे चल के ये गेट बंद करवा दू हूँ। अच्छा, भाई सब अपने अपने गेट बंद कर दो, हम गेट गेटा के ऊपर ये लगावाएंगे। अच्छा, जैसे रास्ते में कोई बुजुर्ग है कोई और है, सब अपने अपने घर में भाई बंद हो जाओ। घने साल पाछे बात चली जाएगी। जो किसी का घर में एक बूढ़ा आदमी का बीमारी लाग जाएगी तो वह घनी दूर बात चली जाएगी। ये मोदी की सरकार बहुत अच्छी सरकार है, जो इस जो हमारे लिए बोला है तो बड़ा अच्छा बोला है। ठीक है जी, ठीक है। चलो सर, करते रहो और सेफली करो और भीड़ इकट्ठी ना होने दो। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू, थैंक यू। आज हम गांव ढिकाना के अंदर आए थे और जिस मुहिम को हम देखने आए थे भाई, किस तरह की मुहिम कर रहे हैं, तो मुहिम काफ़ी अच्छी मुहिम चला रखी इन्होंने और सरपंच के सहयोग के बिना इन भाइयों ने काम किया है। सरपंच एक बहुत ही मतलब जिसको बोलेंगे लालची टाइप का एक बंदा निकला यहाँ पे, जो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है। तो भाई, हमने ये रिपोर्ट गाँव वालों के साथ मिलकर बड़ी मेहनत से बनाई है और इसके लिए हमने चाहे कितना भी टाइम डिवोट किया, लेकिन गाँव वालों का पूरा साथ रहा है और यहाँ गाँव वाले बहुत ही ज़्यादा जागरूक है। किसी को ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़ी, सभी ने अपने मुंह कवर किए हुए थे और सारे गैप को ज़्यादातर मेंटेन किए हुए थे। तो इन युवा लोगों ने काफ़ी जागरूकता भी दी यहाँ पे। तो जितनी भी आपने वीडियो बनाई है उनसे हटके कुछ अलग ये वीडियो है और सभी भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना जोर अपन इस वीडियो बनाने लगा उतना वीडियो अपन शेयर करने में लगाएं। इसको इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि किसी भी के पास जाए तो वो जागरूक हो और किसी लालची टाइप के सरपंच के पास जाए तो एटलीस्ट वो सुधरे इसको देख के। तो लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो आपके पास टाइम फालतू हो थोड़ा सा तो सब्सक्राइब भी कर लें, ये आपकी इच्छा है। ओके।